जब हम बात करते हैं खूबसूरत त्वचा की, खूबसूरत बालों की, तब हम शहद के गुणों को नकार नहीं सकते। आज ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनीज ये एडवर्टाइज करती है, हमारे प्रोडक्ट में शहद है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर गुण समाये हल्दी चंदन के। क्या करते हैं हम लोग, हम इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें नेचुरल चीजें हैं। प्रकृति ने जब हमें इतने खूबसूरत उपहार दिए हैं, तो क्यों ना हम इन्हें डायरेक्टली यूज करें अपनी त्वचा पर, अपने बालों पर, और उन्हें खूबसूरत बनाएं। मैं अपर्णा कौर, ब्यूटी एक्सपर्ट, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हनी एज ए मॉइस्चराइजर कैसे आपके स्किन को, बालों को मॉइस्चराइज करता है, हमें इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए बिना कुछ इसमें ज्यादा ऐड किए हुए, और ये हमारी त्वचा को, बालों को किस तरीके से खूबसूरत बनाता है। हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, एक नेचुरल इमोलिएंट है। ह्यूमेक्टेंट वो होते हैं जो एयर में से मॉइस्चर को खींचते हैं और आपकी स्किन की लेयर पर उसे बनाए रखते हैं, और ये एंश्योर करते हैं कि वो ज्यादा समय तक आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे। इसलिए हनी एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। इमोलिएंट आपकी स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि आपके मॉइस्चर को खोने से रोकती है, और ये आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाते हैं। इसलिए जब भी आप हनी लगाते हैं आपको बहुत सॉफ्ट स्मूथ फील होता है। ये जो दोनों होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। हनी आपकी स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखता है, आपके ऑयल प्रोडक्शन के कंट्रोल को बैलेंस करता है। हनी एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये आपकी ड्राई, डैमेज, डल स्किन को, हेयर को नरिश करता है। ये आपकी दाग धब्बों को दूर करता है, स्ट्रेच मार्क को दूर करता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को, स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन डिसकलरेशन को दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये बूस्ट करता है आपके कोलेजन प्रोडक्शन को। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लगता है, परिणाम स्वरूप हमारे फाइन लाइंस आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, हमारे एजिंग साइन शुरू हो जाते हैं, हमारी इलास्टिसिटी कम होने लगती है। हमारा जितना अच्छा कोलेजन प्रोडक्शन होगा, जितना लेवल उसका हाई रहेगा, हमारी स्किन स्मूथ रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, फॉर्म रहेगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारे स्किन के रेजुविनेशन प्रोसेस को एनकरेज करता है और हमें यूथफुल ग्लो देता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने के कारण ये आपको एक्ने में भी आराम देता है। हीलिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण आज हनी ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखते हैं हनी को एज अ मॉइस्चराइजर हम कैसे लगाएं। मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को कहती थी कि आप एज अ मॉइस्चराइजर इसको यूज़ करिए, बहुत अच्छा है, तो दो तरीके की कंप्लेन करते थे। पहला, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन फील होता है, अच्छा नहीं लगता लगाना। दूसरा, हम इसको लगा के अच्छे से मसाज नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ आप इसके अंदर 4 ड्रॉप रोज वाटर की ऐड कर लें। रोज वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल पानी ऐड करें, फिर इसे अच्छे से मिक्स करें, चेहरे पे लगाएं, 3 से 4 मिनट तक मसाज करें अच्छे से, और फिर 15 मिनट तक इसे छोड़ दें, फिर चेहरा धो लें। इससे 2 फायदा होता है वाटर ऐड करने से। पहला, जब आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो वो इजीली आप उसको चेहरे पे लगा पाएंगे, अच्छे से मसाज कर पाएंगे, आपको चिपचिपापन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। दूसरा ये होगा, जब हमने उसमें वाटर ऐड किया तो आपकी स्किन को ये ज्यादा देर तक हाइड्रेट रखेगा। एज अ मॉइस्चराइजर बालों में इस्तेमाल करने के लिए आपको लेना होगा 2 टेबल स्पून हनी, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वाइटामिन ई होता है, मिनरल्स होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इस कंडीशनर को आप लगाएंगे तो आपके हेयर की ग्रोथ प्रमोट होगी, आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे, शाइन आ जाएगी। और हाँ, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। हमें इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और इसके हमें मसाज करनी है अपने बालों में रूट से लेके एंड तक। आपको ध्यान रखना है मसाज बहुत धीरे धीरे करनी है और सर्कुलर मोशन में करनी है। इसे आप आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दें, फिर शैम्पू कर लें। और कई जगह होते हैं कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं, शैम्पू के अंदर आप 2 टीस्पून 2-3 टीस्पून आप हनी ऐड करें, 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करें,
और शैम्पू में अच्छे से मिक्स कर लें, फिर अपने शैम्पू कर लें बालों को। आपको कंडीशनर की जरूरत महसूस ही नहीं होगी, आपके बालों में एक अजीब सी शाइन होगी, एक स्मूथनेस आपको फील होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।